अभी चलिए हंसी मजाक बहुत हो गया, हम जिस विषय पे हमने ये फिल्म बनाने का फैसला किया, इट्स नॉट अबाउट कि मर्द को ऐसा करना औरत को ऐसा करना, इट्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप लोगों ने ये जिंदगी चुनी है, आप लोगों ने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की और आप आज पहुँचे हो। अगर आपको ये चॉइस नहीं दी जाती तो क्या होता, आपको कभी पता नहीं लगता आपकी काबिलियत क्या है। हमारी फिल्म एक्चुअली उस जोन में ज़्यादा है, अगर आप मानते हो कि आप काबिल हो तो ये समाज या रीति रिवाज ये सब आपको क्यों रोकते हैं। You should not be held back on the basis of what people have said. It should be only on your own choice. आप घर चलाना चाहती हो, बेशक चलाइए। आप बाहर काम करना चाहती हो, बेशक कीजिए। आप दोनों करना चाहते हो और आप काबिल हैं, तो बेशक कीजिए। तो the film doesn't deal with only कि मर्दों को ऐसा करना, औरतों को ऐसा करना। It deals with choice. And again, coming back to what I said, in a relationship, that is what matters. If you can be there for each other in the difficult choices and difficult moments, that's what this film actually deals with. It's a romantic film, यार। ये आई नो की का लड़का लड़की हम उस विषय पे भी बात करते हैं, बट इवेंचुअली इट्स अबाउट टू पीपल हु लव ईच अदर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। आई थिंक वो बहुत जरूरी होता है। मैरिजेस आर आजकल क्या हो गया, बोलते हैं अच्छा चलो शादी के बाद तो जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर आप ये फिल्म देखेंगे, मैं ये मानता हूँ, आप बोलेंगे मैरिज के बाद जिंदगी शुरू होती है। नहीं ऐसा, वो हमारी फिल्मों में भी होता है ना, हैप्पी एंडिंग मतलब मैरिज, पर उसके बाद ऑल्सो यू कैन हैव एन अमेजिंग लाइफ टुगेदर। सो दिस फिल्म एक्चुअली डील्स विद अ कूल टेक ऑन मैरिज, दैट्स व्हाट आई फील। अर्जुन, इतना बड़ा एक्सपर्ट हूँ जो मैं शादी कर रहा हूँ। अर्जुन आपके आपको लगता करीना कपूर को पैसा मांगने की जरूरत थी? अब मैं अर्जुन से मांगूंगी। हाँ बस, बहुत पैसे दिए तुझे इस फिल्म में मैंने। अर्जुन वो घर चलाने के लिए था। आपके घर पे की एंड का क्या मतलब, आपके पेरेंट्स में या फादर? नहीं हम पूरा दिन है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। किसमें क्वालिटी है? आज तो विभिन्न हमको तो वेट करना ही पड़ेगा। किसमें क्वालिटी है हाउस हस्बैंड की, आपके फादर में या फिर आपके चाचू या आपके कजिन्स? मतलब कि आप पूछ रहे हैं कि हमारे घर में कोई ऐसा है जो इस तरह का किरदार बन सकता है, मतलब उसमें? आई थिंक अनिल जी शुड सिट एट होम नाउ, ताकि हम यक्षनाथ को चांस मिले कुछ करने का। आजकल तो स्टेज शो पे भी फिनाले में आके डांस करना चालू कर दिया, और वो भी हमारे गानों पे। वैसे ही हमसे बेट, ही फर्स्ट ही लुक्स बेटर देन अस, देन ही डांसेस ऑन आवर सॉन्ग्स। क्या होगा हमारा उन्हें? हाँ उनका ये आइडिया अच्छा, अनिल चाचू को मैं बोलता हूँ होममेकर बन जाता।